नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है नेग। रेखा की सासू माँ बोली, मैं क्या नेग दूँ, मैंने तो अपना बेटा ही बहू को दे दिया, अब मेरे पास बचा क्या है जो मैं दे दूँ, सब कुछ तो दे दिया। ये बात सुनकर रेखा को थोड़ा अजीब लगा, पर वह चुपचाप रह गई। रेखा की नई नई शादी हुई थी और आज रसोई में उसका पहला दिन था। घर में एक देवर और एक ननद थे। जैसा कि रस्म होती है कि जब बहू किचन में पहली बार खाना बनाती है तो सब लोग उसको नेक देते हैं, इसीलिए रेखा की ननद और देवर ने अपनी माँ से कहा कि वह उनकी भाभी को नेक दे। जब नेक की बात आई तो तब सासू माँ ने अपनी बहू रेखा से कहा, बहू हमने तो तुम्हें अपना बेटा ही दे दिया। रेखा को थोड़ा अजीब लगा, बेटा दे दिया इसका मतलब क्या है, वह तो सारी दुनिया ही अपने बेटे की शादी करती है। हाँ ये बात अलग है कि अगर आप कुछ नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। शादी के कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि जब कोई बात आती है तो उसे सासू माँ कहती है कि मैंने तो तुमको अपना बेटा ही दे दिया। कई बार ऐसा सुनने के बाद एक दिन रेखा ने अपनी सासू माँ से कहा, माता जी आप हर समय ये बात कहती हैं कि मैंने तुम्हें अपना बेटा दे दिया, मम्मी जी बेटा तो वह आपका ही रहेगा, बस मुझको अपना पति मिल गए हैं और मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरी माँ ने भी तो अपने कलेजे के टुकड़ों को आपके घर भेजा है। जब आप ये बात कहती हैं कि मैंने तुम्हें अपना बेटा दे दिया है तब मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपके बेटे को आपसे दूर नहीं कर रही हूँ, पर आप मुझसे ये बात कभी मत कहिए। ये बातें सुनकर रेखा की सासू माँ लज्जित हो गई और उसके बाद उन्होंने कभी रेखा से ये बात नहीं कही कि मैंने अपना तुमको बेटा दे दिया और मेरे पास कुछ नहीं बचा। और रेखा आज अपनी सासू माँ से ये बातें बोलकर अपने मन को बोझ हल्का कर खुश थी। लेकिन सच तो सच ही होता है कि किसी की बेटी अपना घर सुना कर दूसरे के घर जाकर घर को बसाती है और यही दुनिया की रीत है। बेटी पराई होती है पर बेटा नहीं होता। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।